मेरे प्यारे बच्चों, टेंथ की सप्लीमेंट्री का पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पहला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे बताए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट थॉमस अल्वा एडिसन का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, अ रियली फनी बॉय वाज नॉट हियर। थॉमस अल्वा एडिसन वास्तव में एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम। लेकिन कुछ कुछ उस असफल प्रयोगों से भी उसने सीखा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने से हमें कोई ज्ञान ना, चाहे हम गलत कार्य करें चाहे हम सही कार्य करें, कोई न कोई ज्ञान हमें उससे जरूर मिलता है। ही हैड लर्न्ड, उसने सीखा दैट कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, तो उसके प्रयोग करने के जो तरीके थे, विचार थे, वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड क्वाइट अलॉट ऑफ देम। वह किताबों का बहुत शौकीन था। एडिसन किताबों का बहुत शौकीन था और बहुत सारी किताबों को उसने पढ़ी भी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड। उसके पिताजी हर किताब के लिए 25 सेंट देते थे जिसको वह पढ़ता। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। जो पॉकेट मनी उसे खर्चे के लिए मिलता था उससे वह किताब खरीद करके पढ़ाई करता था। ही बॉट मोर बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें खरीदी। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और इसने धीरे धीरे एक छोटी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसको उत्साहित करती थी। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोग में उसकी मदद भी करती थी। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय पश्चात, एडिसन ने पाया दैट कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसको अपनी प्रयोगशाला को, प्रयोग को जारी रखने के लिए और ज़्यादा धन की जरूरत थी। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और वह और अधिक किताबों को भी चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जैसे कि घर पर रखी हुई जितनी किताबें थी सबका वह गहन अध्ययन कर चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को वह देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में सुधार लाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेल, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह रेलवे में एक छोटी मोटी नौकरी करेगा। एट फर्स्ट, सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। सबसे पहले तो उसके माता पिता उसकी इस विचार को पसंद नहीं किए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष। बट दे एग्रीड, लेकिन वे दोनों माता पिता सहमत हो गए। फैन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय के बारे में अच्छे अच्छे तर्क दिए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन जो है एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, समाचार पत्र बेचने वाला। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। डेट्रॉयट स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन को अप डाउन करते समय वह समाचार पत्र बेचने का कार्य करता रहा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने समाचार पत्रों को बेचा। स्वीट्स
मिठाइयों को बेचा एंड फ्रूट्स और फलों को बेचा एंड अर्न्ड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात शाम को भोजन करते समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, माँ इस डॉलर को ले लो, एवरी नाइट प्रत्येक रात आई शैल गिव यू ए डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जितना पैसा मैं कमाऊंगा प्रत्येक रात $1 मैं उसमें से आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने इस वचन को अपने वादे को निभाया। अ ईयर आर टू ईयर लेटर, एक वर्ष अथवा दो वर्ष बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने निर्णय किया वह अपना खुद का समाचार पत्र विकसित करेगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस छापे खाने की मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और रेलवे के डिब्बे में ही उसको स्थापित कर दिया। ही एडिटेड, उसने संपादित किया एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और अपने पेपर को छपाई। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और भारी संख्या में पेपर की कॉपी को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और खूब धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो धन उसने कमाया था उस धन से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। व्हेन ही वाज 15, जब वह मात्र 15 वर्ष का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, तभी उसके साथ एक दुर्घटना घट गई और जिससे उसका कैरियर, उसका जीवन प्रभावित हो गया। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, तभी ट्रेन जो है एक कोने से गुजरते हुए झटका देते हुए गुजरी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, तभी अचानक एक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और एक थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, उस डिब्बे की फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट द फायर, और उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह इसे बुझा पाता कि उससे पहले द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर की एजेंसी जो उसने बनाई थी उसमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चीखा, चिल्लाया, जोर जोर की आवाज लगाई। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टूगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और वे दोनों साथ साथ आग को बुझाने में सफल तो हो गए, बट परंतु दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन उस रेलगाड़ी में, उस ट्रेन में एडिसन की सर्विस का अंतिम दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर एडिसन को बर्खास्त कर दिया गया, उसको उसकी नौकरी से हटा दिया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्ष एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटी, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने जो है पुस्तकालयों का लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में कल कारखानों के विशेषज्ञों से मुलाकात की। एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप के विशेषज्ञों से मुलाकात की। ही आस्क देम क्वेश्चंस, वह उन लोगों से सवाल किया। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, और उन लोगों से बहुत सारा ज्ञान उसने अर्जित किया। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग पर बहुत सारे कठिन से कठिन काम। तो आज बस इतना ही, शेष अगले भाग में हम आप सभी को अच्छी तरह से वीडियो बना कर देंगे। जिस किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी, वह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415-703-701 पर फ़ोन करके हमसे संपर्क करेगा। ओके, थैंक यू।